बड़ी खबर आ रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। हाथरस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, हाथरस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, यूपी सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा ली गई, इसके बाद ये फैसला लिया गया कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस पीड़िता के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिले और मीडिया से भी बात की और पूरे दिन इस पर सियासी संग्राम छिड़ा रहा। इसके अलावा जो यूपी के आला अधिकारी हैं वो भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक ली जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे का। विशाल, क्या डिटेल्स हैं आपके सामने, आपके पास, क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है यूपी सरकार द्वारा? देख बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार पुलिस और प्रशासन पर आरोप लग रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से जांच की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे पीड़िता पक्ष की तरफ से भी और जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से भी। और इन तमाम मांगों के बीच आज जब उत्तर प्रदेश सरकार के दो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, एसआईटी की जाँच चल भी रही थी, इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि हाथरस मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाएगी और इस सिलसिले में आदेश भी यूपी सरकार की तरफ से दिए चुके हैं। अब इसे डीओपीटी से जैसे ही मंजूरी मिलेगी सीबीआई जांच इसके लिए शुरू हो जाएगी। अदिति, विशाल, हम अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर आपके माध्यम से लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है, अब सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद क्या इस पर सियासत थम पाएगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सियासत इस पर पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज यहां पर पहुंचे और एक लाव लश्कर के साथ, कई गाड़ियों का काफिला उनके साथ में था। सवाल यहां पर यही है कि राजनीति आखिरकार ऐसे मुद्दों पर कब खत्म होगी, ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक दल एक क्यों नहीं हो पाते हैं, और अब जब सीबीआई जाँच के आदेश हो गए हैं तो कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति तो ना हो, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। अदिति, पीड़िता को इंसाफ मिले, इससे पहले आज जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा, चाहे वो सियासी संग्राम हो या फिर आला अधिकारियों का पीड़ित परिवार से मिलना हो, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है, हाथरस मामले में यूपी सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, उच्च स्तरीय बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ली गई, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब आगे क्या, क्या सही मायने में हाथरस की बेटी को अब इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, ये दोनों ही पक्षों की मांग थी कि सीबीआई जांच के आदेश किए जाएं, क्योंकि पीड़िता का जो पक्ष है वो लगातार ये आरोप लगा रहा था कि डीएम के द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग तरह से पुलिस प्रशासन की पूरी का पूरा कामकाज रहा उस पर भी सवाल उठते रहे, रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर देना, मीडिया की एंट्री बैन कर देना, एसआईटी की यहाँ पर जब पूछताछ होती है तो कोई भी मीडियाकर्मी यहाँ मौजूद नहीं रहता है, तो ऐसे तमाम सवाल यहाँ गाँव से खड़े होते रहे। इसके अलावा जो आरोपियों के पक्ष है, जो उनके माता पिता है, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की। आज यहां पर गांव के बाहर प्रदर्शन भी हुआ और योगी आदित्यनाथ ने दो अधिकारियों को, जो कि अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को जब हाथरस भेजा उसके बाद उनसे जो बातचीत की, लखनऊ में एक लंबी बैठक की और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब उम्मीद यही है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, इस पर कम से कम सियासत ना हो। सीबीआई की जब जाँच होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, किस स्तर पर चूक रही, कहाँ पर क्या हुआ, किसका तथ्य सही है, किसका तथ्य गलत है, जो कि प्रशासन की तरफ से लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे थे 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में क्या कुछ हुआ था हाथरस में, इन सभी चीजों से पर्दा जरूर हटेगा ऐसी उम्मीद है और पीड़िता को न्याय मिलेगा। अदिति, विशाल, आप रहिए हमारे साथ, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की, आपको दिन में जी न्यूज ने बताया था, जैसा कि विशाल भी बता रहे थे, डीजीपी और अपर गृह सचिव दोनों की मुलाकात हुई थी पीड़ित परिवार द्वारा, और उसके बाद इनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुई और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश का ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।